नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दोस्तों आप पूरे घर के आधार नंबर कैसे पता कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आप भी अपने फैमिली के सभी के आधार नंबर निकालना चाह रहे हैं दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। ना दोस्तों आपको राशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको डिस्ट्रिक्ट आई डी की जरूरत पड़ेगी, और साथ में आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो या ना हो वहाँ पर दोस्तों कोई भी जरूरत नहीं है। मैं दोस्तों आपको तरीका बताने वाले हैं। ये तरीका अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और आपका पूरा तरीका काम करेगा, लेकिन कौन कौन लोग निकाल सकते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। इससे दोस्तों मैं कोई नई वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा और वीडियो देखकर फायदा उठा सकते हो। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल ऐप लैपटॉप पर किसी गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमको दोस्तों सर्च करना पड़ेगा upbocw.in। इतना आपको दोस्तों सर्च कर लेना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों बात कर लेते हैं ये किस किस का दोस्तों निकलेगा। अगर दोस्तों बात करें जिन लोगों का दोस्तों लेबर कार्ड बनाया है, जो भी उनके फैमिली मेम्बर ऐड हैं सभी लोग ऐड कर ही लेते हैं, चाहे दो लोग ऐड करें फिर कभी कुछ लोग तो सभी लोग ऐड कर लेते हैं। अगर आपका भी लेबर कार्ड बनाया है, आपके घर में इन लोगों का आधार नंबर निकालना चाह रहे हो दोस्तों आप निकाल सकते हो। जो लेबर कार्ड वालों की दोस्तों प्रक्रिया सिर्फ यहाँ से आप काम करेगी। अब दोस्तों कैसे निकालना है, यहाँ के बाद अब नीचे स्क्रॉल आपको करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपसे मिल जाएगा देखिए योजना आवेदन करें, इसी पर दोस्तों क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद पेज इस प्रकार आएगा। यहाँ से आपको अपना मंडल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस मंडल से आप बिलोंग करते हो। उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से योजना का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ से योजना का नाम को या कन्या विवाह सहायता योजना इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर पूरा निकाल कर दिखाऊंगा। 100% दोस्तों ट्रिक वर्किंग है और आप खुद से निकाल पाओगे। पहले वीडियो को कंप्लीट बात कर लें दोस्तों। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है, जो भी मतलब मुखिया हैं सिर्फ पहले उनका आपको आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आवेदन पत्र खोले पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास मुखिया का भी आधार नंबर नहीं है, जिनका भी दोस्तों जैसे लेबर कार्ड बनाया उनका भी आधार नंबर नहीं है, तो पहले उनका आधार नंबर कैसे निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको श्रमिक के बटन पर क्लिक करना है। नीचे ऑप्शन देखिए मिल जाता है नवीकरण की स्थिति, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेज आगे का खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों अपनी पंजीकरण संख्या डालना होगा। लेबर कार्ड के ऊपर पंजीकरण संख्या 0 वाली मिल जाएगी। उसके बाद इस कैप्चे को इस बॉक्स में डालना होगा। उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पेज इस प्रकार आएगा। नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे सभी की डिटेल आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नवीकरण करें, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दोस्तों नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा आधार कार्ड संख्या का, यानी दोस्तों आधार कार्ड संख्या यहाँ पर आपको पूरी लिखी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इसी आधार कार्ड संख्या को यहाँ से कॉपी कर लेना होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर मुझे जो है श्रमिक की जो भी आधार कार्ड संख्या है वो मिल चुकी है। पेज पर दोस्तों फिर से आपको चलना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर आओगे, नीचे मिल जाएगा योजना आवेदन, इसी आवेदन करें पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर आपके सामने पेज इस प्रकार आएगा। यहाँ से यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार पे आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना मंडल को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे यहाँ पर योजना का नाम, वही यहाँ पर आपको कन्या विवाह ये वाली योजना को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आधार कार्ड संख्या देना, जो भी आपने अभी श्रमिक की आधार कार्ड संख्या को निकाला है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आवेदन पत्र खोले पर क्लिक करना है। दोस्तों OTP को सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, OTP को यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद प्रमाणित करे पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों पेज इस प्रकार आएगा। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर पूरे घर के आधार नंबर कैसे निकलेंगे यहाँ पे पूरी फैमिली के, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आपको व्यू फैमिली का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी, जो भी आपके लेबर कार्ड में सदस्य ऐड होंगे, लगभग मैक्सिमम लोग ऐड करके रखते ही हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब कुछ आ जाएगा। उनका नाम मिल जाएगा, मेंबर जेंडर मिल जाएगा, कौन मेल है और फीमेल है। उसके बाद उनका नाम मिल जाएगा और यहाँ पर आपको दोस्तों सारा कुछ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आधार कार्ड संख्या पूरी आ चुकी है, आप देख सकते हो। इस लेबर कार्ड में 4 सदस्य ऐड हैं, जो यहाँ पर आधार कार्ड संख्या आ गई, उनकी DO भी आ गई, उनका नाम भी आ चुका है, सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। चाहे तो आप यहाँ सदस्य को ऐड भी कर सकते हो। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ना तो यहाँ पर आपको OTP की जरूरत पड़ी, ना तो आपको राशन कार्ड संख्या की जरूरत पड़ी, सिर्फ लेबर कार्ड की जो पंजीयन संख्या होती है उसके थ्रू आधार नंबर निकाल कर आप यहाँ से आधार नंबर पूरे करके निकाल सकते हो। कभी दोस्तों आपको आधार नंबर की जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ से आप इजीली ही निकाल पाओगे, कोई भी निकाल सकता है अपने। बाद में दोस्तों किसी प्रकार की पोल में दिक्कत आती है तो दोस्तों कमेंट करना। तो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।